जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लास्ट टॉपिक में हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा था, सप्लाई क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ मेड और अग्री टू बी मेड, मतलब अग्री भी हो गए देने के लिए, बराबर है, फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा जीएसटी चार्ज होगा। इसका मतलब एडवांस में अगर आपको पैसा मिला है उस पर भी जीएसटी चार्ज हो सकता है, अगर आप सर्विस देने के लिए या गुड्स देने के लिए अग्री हो तो। नाउ नेक्स्ट आता है, उसके बाद में हमने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट, कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन जा रहा तो वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तब भी जीएसटी चार्ज हो जाएगा। अब हम आगे टॉपिक ले रहे हैं पार्ट नंबर थ्री उसका, जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। डॉक्टर एसपी का केस, बराबर है। तो ये देखो आपके पार्ट थ्री शेड्यूल फर्स्ट विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, हमारा किए डॉक्टर एसपी। सबसे पहले डी, यहां पे लिखो डी, डी बोले तो डिस्पोजल। अब समझो यहां पर ये प्रोविजन क्या कहना चाहता है। लिसन, सपोज मैंने ये लैपटॉप खरीदा है 1 लाख रुपीज का, ओके, 18,000 का मैंने जीएसटी पे किया, ओके, अग्री। ये क्रेडिट 18,000 का मैं अवेल कर चुका हूं क्योंकि लैपटॉप मेरे बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा, मैं अवेल कर चुका हूं। अब क्या हुआ, बात है कि लैपटॉप खरीद करके 2-3 महीना ही हुआ था, मैं चैरिटेबल ट्रस्ट में गया और इस ट्रस्ट में जब मैं पहुंचा तो इन लोगों ने मुझे बोला कि सर बच्चों के पढ़ने के लिए लैपटॉप और पीसी की जरूरत है। अब यू नो आफ्टर स्टूडेंट्स का मामला है, मेरे दिल ने बोला अरे ऐसे लैपटॉप तो तू हजारों खरीद लेगा, दे दे आज बच्चों को। मैंने वो लैपटॉप फ्री में इनको डोनेट कर दिया, फ्री में, क्या फ्री में, फूटी कोड़ी भी नहीं ली मैंने इनसे। अब कंसिडरेशन नहीं है यहां पर दोस्तों, बट फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि मैं आईटी से अवेल कर चुका हूं। तो डिस्पोजल या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स जिसका आईटी से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर चुके हो, इसका मतलब ये 18,000 का जो क्रेडिट मैंने लिया है लैपटॉप पे, वो अगर मैं अवेल नहीं करता और उसके बाद अगर फ्री में मैं दे देता ट्रस्ट को, तो फिर सप्लाई नहीं माना जाता इसको, फिर जीएसटी चार्ज नहीं होता, बराबर है। एक और एग्जांपल से समझो इस चीज को। हाँ, रीजन जानना तो रीजन भी समझो, इसके पीछे का रीजन और लॉजिक क्या है। हुआ क्या था, मैंने 1 लाख रुपीज में लैपटॉप खरीदा था, 18,000 का जीएसटी पे किया और उसका मैंने क्रेडिट ले लिया। मोदी जी आए, बोले मिस्टर गॉड, देख तो मोदी जी से मिल ही लेते हैं। हाँ तो मोदी जी नमस्कार। हाँ, इनका ये कहना कि मिस्टर गॉड आपने 18,000 का क्रेडिट लिया? बिल्कुल लिया सर, क्यों नहीं लेंगे, मारवाड़ी आदमी हूं, पहले ही दिन ले लिया था। ओ माय गॉड, सच्ची? बोले मिस्टर गॉड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल है कि आप क्रेडिट लो कोई दिक्कत नहीं, बट उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करो। आपने तो चैरिटेबल पर्पस के लिए दे दिया, उसको बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज ही नहीं कर रहे हो, आपने तो ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, तो आपको पूरा क्रेडिट लेने का हक नहीं बनता है। मैं रिवर्स कर दूं क्रेडिट? बोले मिस्टर गौड ये एक्साइज एक्ट नहीं चल रहा जो रिवर्सल वाले मेथड एप्लीकेबल होंगे, यहां पर क्या होगा, ये जो लैपटॉप आपने दिया इसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा और आपको इस पर जीएसटी पे करना होगा। मोदी जी जीएसटी लगेगा, इसको सप्लाई कंसिडर कर रहा हूं मैं, फ्री में दे रहा हूं, आई अग्री। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, मैं तो फोकट में दे रहा हूं, तो कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगाओगे, वैल्यू कहां से फाइंड आउट करोगे, वैल्यू कैसे पता लगेगी, बराबर है ना, है? ओ बोलते बेटा उसके लिए वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो आगे आएगा, उसमें आपको मालूम चलेगा कि ये जो फ्री में मैंने लैपटॉप दिया है उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे, उस पर जीएसटी लगेगा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा वो हमको आगे पता लगेगा। समझ में आया, आईटीसी चैप्टर में और वैल्यूएशन चैप्टर में ये चीज हमको पता लग जाएगी। ओके, कोई डाउट? पक्का ना? श्योर? एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना है। क्या हुआ कि मैंने सोचा भाई चलो एक नया बिजनेस शुरू किया जाए, मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया। ये रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है ना,
ये मेरी ये सारे प्रोडक्ट मैं परचेज करके लेके आया, सब पर जीएसटी पे किया मैंने, जीएसटी पे किया मान लो। अब मान लो मैंने जीएसटी पे किया है, अब होते ना हमारे रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं वो अक्सर ऐसे केस में आते हैं, बराबर एक रिश्तेदार हमारी शॉप पे आ गए, ये मेरे रिश्तेदार हैं, हाँ कैसे आना हुआ, बच्चे के साथ में आए हैं, बच्चे को कपड़े चाहिए आपको कपड़े चाहिए, अच्छा दोनों को, भाई दोनों को एक एक ड्रेस निकाल करके दे दो, दोनों को एक एक ड्रेस निकाल करके दे दी, चलो खुश अब। अरे नहीं नहीं पैसा, नहीं 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 आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, इच्छा तो हो रही है लेने पर रिश्तेदार हैं, नहीं 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 फ्री में आप ले जाइए, हाँ आप ले जाइए, गए हो। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि मैंने वो रेडीमेड गारमेंट्स जो खरीदे थे, जो दो फ्री में मैंने इनको दिए, उन पर अगर मैंने जीएसटी पे किया और उसका मैं क्रेडिट ले चुका हूं और फिर उनको मैं फ्री में दे रहा हूं तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, भले विदाउट कंसिडरेशन है, क्रेडिट नहीं लेता और फिर मैं देता तो चलता, बट क्रेडिट अवेल कर चुका हूं फिर फ्री में दे रहा हूं तो उस केस में यहां पे जीएसटी चार्ज होगा, इसको सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। तो जरा देखते हैं वन क्या बोलता है, पॉइंट नंबर वन, परमानेंट ट्रांसफर ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, अगर आईटीसी आप अवेल कर चुके हो तो। एग्जाम्पल वन एक बार आप रीड करना, कंप्यूटर इज परचेज फॉर बिजनेस पर्पस एंड आईटीसी ऑन द सेम इज अवेल्ड आफ्टर सम ईयर सेट कंप्यूटर परमानेंटली ट्रांसफर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी चार्ज होगा, इसको सप्लाई कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर टू, ए क्लोथ रिटेलर गिव्स क्लोथ फ्रॉम हिज बिजनेस स्टॉक टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, अब भाई उसने अगर क्रेडिट ले लिया, आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तब तो डीम्ड सप्लाई सप्लाई माना जाएगा, और आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, बराबर है ना। अब आता सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है तो क्या होगा, जरा देखते हैं। नाउ सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन तो हम अभी पढ़ेंगे देखेंगे बराबर आगे डिटेल में, बट डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में ना अपना वो एज इट इज इन्होंने ली है, करीब करीब वही डेफिनेशन है, हाँ थोड़ा बहुत चेंज किया है। सर क्या चेंज किया इन्होंने, थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया आपके ये डेफिनेशन के अंदर रिलेटेड पार्टी की, कि भाई एम्प्लॉय भी आपका रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, मतलब मैं एम्प्लॉयर हूं तो मेरा जो एम्प्लॉय है वो भी मेरा रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, बराबर है। उनके प्रोविजन अभी देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको सप्लाई माना जाएगा भले विदाउट कंसिडरेशन हो। एग्जाम्पल देखना, ये मेरी होल्डिंग कंपनी है, क्या है होल्डिंग कंपनी, ये मेरी उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, मैं इसमें डायरेक्टर हूं, मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूं, ये सब्सिडरी कंपनी है, और वो कौन सी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है इसी कंपनी की, ओके तो बोल देते वो एम लिमिटेड है और ये एम वन लिमिटेड है, एम वन बराबर है, और ये एम वन लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने कोई गुड्स फ्री में दिया सब्सिडरी कंपनी को फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, रीजन रिलेटेड पार्टी, होल्डिंग सब्सिडी रिलेटेड पार्टी होते हैं, रिलेटेड पार्टी, ओके okay. अब इधर देखो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, जरा वो भी देख लेते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में, तो जरा समझो, सपोज एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये महाराष्ट्र है, यहां पर मेरा एक ऑफिस है मुंबई में सीए का, और एक ऑफिस है थाने में, थाने में एक ऑफिस है, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउ है, दोनों का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, दोनों का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन दो केस ऐसे होते हैं जीएसटी में, उस केस में आप एक ही स्टेट में आपके अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग प्रोफेशन है, आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ऐसे दो केस हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं तीन एग्जांपल लूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल, मैं एक सीए की प्रैक्टिस करता हूं, ये मेरा ऑफिस अंधेरी में है मुंबई के अंदर, बराबर है, ये ऑफिस मेरा थाने में है, महाराष्ट्र में आते हैं दोनों, मुंबई थाने दोनों महाराष्ट्र में आते हैं, दोनों जगह पे मेरा ऑफिस है, दोनों सीए की प्रैक्टिस के हैं, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ही मिलेगा मुझे, भले दो ऑफिस है, दोनों का डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, ये थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये मुंबई में आता है, बराबर है, फिर भी रजिस्ट्रेशन एक सिंगल ही होगा यहां पर।
लेकिन अगर बिजनेस वर्टिकल, क्या बिजनेस वर्टिकल अगर अलग अलग है तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन अलाउ है। सर ये बिजनेस वर्टिकल क्या होता है, बिजनेस वर्टिकल क्या होता है, तो समझो ये बिजनेस वर्टिकल क्या होता है। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल हो, इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। ये जो ऑफिस है, ये वाला जो ऑफिस है मेरा, ये ऑफिस अंधेरी में है और ये सीए की प्रैक्टिस का है। ये थाने वाला ऑफिस जो है ना, यहां पे पतंजलि की डीलरशिप ले रखी है मैंने। किसकी? पतंजलि की डीलरशिप ले रखी है। अब ये पतंजलि की डीलरशिप है तो यहां पर मुझे अलग रजिस्ट्रेशन लेने का ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं, ऑप्शन है। मैं चाहूं तो दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन रख सकता हूं और चाहूं तो अलग अलग रख सकता हूं। तो मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन रखा। यहां के लिए मैंने अलग रजिस्ट्रेशन लिया थाने के लिए, जो पतंजलि की डीलरशिप है मेरे पास में, और यहां के लिए मैंने एक अलग रजिस्ट्रेशन लिया है, ओके, जो सीए की प्रैक्टिस है। अब अगर पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट फ्री में मेरी इस ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, तो दोनों का रजिस्ट्रेशन में पेन नंबर तो मेरा ही है, पेन तो मेरा यूज किया, परमानेंट अकाउंट नंबर तो मेरा ही यूज है, तो दोनों के रजिस्ट्रेशन में परमानेंट अकाउंट नंबर मेरा ही यूज है, दोनों मेरे ही ऑफिस है। फिर भी इधर से इधर अगर पतंजलि का प्रोडक्ट जा रहा है, यहां से इधर क्या जा रहा, पतंजलि का प्रोडक्ट जा रहा है, तो उस केस में इसको सप्लाई कंसिडर होगा, भली विदाउट कंसिडरेशन हो, एक फूटी कौड़ी भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। सर डिस्टिंक्ट पर्सन होता क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? एक ही आदमी के कॉमन परमानेंट अकाउंट नंबर में रजिस्टर्ड दो चीजें, दो रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉमन पेन में रजिस्टर्ड है, बराबर है, दो रजिस्टर्ड पर्सन, वो एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। तो ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन हो गया अंधेरी का ऑफिस, ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन सा, थाने का ऑफिस। दोनों एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन है क्योंकि इनका पेन नंबर कॉमन होगा, पेन कॉमन होगा, मेरा पेन यूज किया गया दोनों जगह पे। एक और एग्जाम्पल, मैंने गुजरात में भी अपना एक ऑफिस लिया, उसका भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। गुजरात में एक ऑफिस लिया, उसका भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। गुजरात में कहां पर? अहमदाबाद में। तो अब तीन ऑफिस हो गए, ये अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद का। अब ये तीन ऑफिस है, तीनों एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, क्योंकि तीनों रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस में परमानेंट अकाउंट नंबर मेरा यूज हुआ है, पेन मेरा यूज हुआ है। ओके, समझ में आया? इनको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। एक और चीज इधर देखो, एक और एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैंने जो वर्ड यूज किया था वो मैंने रजिस्टर्ड यूज किया था, तो ये जैसे महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ओके, यहां पे ये मेरा एक ऑफिस है, यहां पे ये मेरा एक ऑफिस है, दोनों में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मेरा ही पेन यूज हुआ, मेरे ही हैं दोनों, एक दूसरे के लिए क्या मान लिए जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या मान लिए जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। अब एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, ये जो ऑफिस है वो रजिस्टर्ड है, ये जो ऑफिस है वो अनरजिस्टर्ड है। सर ऐसा हो सकता? होता है। मान लो मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हो महाराष्ट्र के केस में, बराबर है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मेरा टर्न ओवर की लिमिट ही क्रॉस नहीं हुई है, ओके। गुजरात में मैंने एक ऑफिस रखा है जहां पे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता हूं, जहां से मैं बिजनेस भी नहीं कर रहा हूं, मतलब इसको प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा। अगर ये गुजरात वाला ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो मुझे वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। फिर अगर एक जगह पे है रजिस्टर्ड है तो दूसरी जगह पे भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो मैंने क्या किया, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है ये मेरा, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन नहीं करता, कोई बिजनेस यहाँ से ऑपरेट नहीं करता, ये प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है मेरा, उस केस में ये अनरजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये एक ऑफिस है जो अनरजिस्टर्ड है। अभी मैंने क्या बताया था कि सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 बोलता है कोई भी दो रजिस्टर्ड पर्सन कॉमन पैन में रजिस्टर्ड है तो वो एक दूसरे के क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। अब दोनों तो रजिस्टर्ड है नहीं, एक रजिस्टर्ड पर्सन और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अब क्या होगा इस केस में बेटा? इस केस में ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट होंगे। ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है, बराबर है, एक रजिस्टर्ड हो एक अनरजिस्टर्ड हो तब भी दोनों एक ही आदमी के है ऑफिस, तब भी दोनों क्या मान लिए जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ओके, भली दोनों रजिस्टर्ड ना हो, एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड है। एक और केस लेता हूं मैं, जब आया है इतना तो एक और बात कर लेता हूं। मेरी एक यूनिट है मुंबई में, मेरी दूसरी ब्रांच है दुबई में,
अब एक मुंबई एक दुबई, अब क्वेश्चन है इस केस में इनको क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। यहां पे सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट वो ये बात बोलता है कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, बराबर एक तरह से डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। भले दुबई में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता इंडिया का, भले दुबई में जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगा प्रीमाइसिस, बराबर है, फिर भी ये क्या मान लिया जाएंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। ये सेक्शन 8 बोलता है आईजीएसटी एक्ट का। ओके, तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में मुझे बताना था ताकि उनके बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है या रिलेटेड पार्टी के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है, बराबर है, तो उस केस में विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तब भी उसको सप्लाई मान करके जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ओके, तो देखो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बारे में। मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी होते हैं, जैसा ध्यान से सुनना, ये एम्प्लॉय है, मैं एम्प्लॉयर हूं, हम दोनों रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। इसका मतलब मैं इसको कोई भी गुड्स दूंगा विदाउट कंसिडरेशन, या कोई भी बिजनेस असेट्स दूंगा विदाउट कंसिडरेशन, बराबर है, तो उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है, इसको सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि रिश्तेदार के बीच में विदाउट कंसिडरेशन डील होती है तो सप्लाई होता है, यह अब मेरी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी एम्प्लॉय। अब यहां पर ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय अगर मुझे कोई सर्विस देगा तो यह नेगेटिव लिस्ट में कवर है, यह नेगेटिव लिस्ट में कवर है, उसकी वजह से जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में कवर है। लेकिन मैंने इनको अगर कुछ भी सप्लाई किया, चाहे सर्विस दियो चाहे गुड्स दिया हो, बराबर, अपने एम्प्लॉय को सप्लाई माना जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, मैं अगर इनको कोई गिफ्ट दे रहा हूं, बराबर, फ्री में दे रहा हूं, विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूं, उसको सप्लाई कंसिडर होगा अगर उसकी वैल्यू 50,000 रुपया, 50,000 पर फिनेंशियल ईयर देखना है, 50,000 से ज्यादा है तो फिर सप्लाई मान करके जीएसटी लगाओ। 50,000 तक की वैल्यू है और एक फाइनेंशियल ईयर में मैं कोई गिफ्ट अपने एम्प्लॉय को देता हूं, एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, सब एम्प्लॉय का मिलाकर के नहीं, इस एक एम्प्लॉय को मैं गिफ्ट दे रहा हूं 50,000 या उससे कम का दे रहा हूं पर फाइनेंशियल ईयर, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये एक एक्सेप्शन आ गया है किसमें, एम्प्लॉय के केस में, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट देता है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है पर फाइनेंशियल ईयर, उस केस में उसको सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, बराबर है। तो इसका मतलब जानते हो, इधर देखो, ये मेरा एम्प्लॉय मान लो 17-18 फाइनेंशियल ईयर में 25 मार्च 2018 को मैंने अपने एम्प्लॉय को 45,000 रुपये का गिफ्ट दिया, 45,000 का। 18-19 फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया अप्रैल से, 2 अप्रैल 2018 को, मतलब देखो 25 अप्रैल को दिया था, सॉरी 25 मार्च को दिया था 45,000 का, देन 2 अप्रैल को दे रहा हूं, मुश्किल से आठ दिन हुए उसके बाद और 45,000 का दे रहा हूं, तब इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि पर फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यहां पे फाइनेंशियल ईयर बदल गया है। ओके, तो एक बेनिफिट आप प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो इस हिसाब से, ताकि जीएसटी चार्ज ना हो। ओके, तो आप अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 50,000 से ज्यादा का दिया तो सप्लाई होगी, पूरे पे जीएसटी लगेगा। जैसे मैंने 70,000 का गिफ्ट दिया इनको, पूरे 70,000 को सप्लाई मान करके जीएसटी चार्ज किया जाएगा। मैंने इनको 50,000 का दिया, जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं मानी जाएगी, पर फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने इनको 20,000 का दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। अब इधर देखना, सोचने वाली बात एक और, हम एम्प्लॉय को देते हैं, एम्प्लॉय हमारा रिश्तेदार है, इन्होंने ये कंडीशन डाल दी है, सरकार ने कंडीशन डाल दी, बट क्या ये बताया कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट डिफाइन नहीं एक्ट के अंदर। तो जनरली गिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, गिफ्ट का मीनिंग हम ये मान करके चलेंगे जो एक ऑब्लिगेशन नहीं होता एम्प्लॉयर के ऊपर, मेरे पे ऑब्लिगेशन ही कि मैं इनको दू ही दूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं दिवाली गिफ्ट दे दूंगा इनको, बट इस बार मेरा मूड नहीं है, मैंने नहीं दिया, तो ये मेरे पे केस नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, महेश गोड ने इस बार हमको गिफ्ट नहीं दिया, हमको हमारा गिफ्ट चाहिए, हमारा हक है,
इनका राइट नहीं है वो, बराबर है। तो गिफ्ट क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से देते हो, तो मैं अपनी मर्जी से इनको दूंगा, वो इनका राइट नहीं है और मेरा ऑब्लिगेशन नहीं कि मुझे देना ही देना पड़ेगा। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का ना? दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट आते हैं, इधर देखो एक बार इसके एग्जांपल पे देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और ए बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 विल क्वालिफाई एज सप्लाई इफ इट इज मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेटेड पार्टी के बीच में डील हो रही है तो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होने चाहिए। तो इसका मतलब जानते हो, ये जितने भी केसेज है ना डॉक्टर एसपी के, इन सब के लिए क्या है? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो ही इन पर इनको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल वन, एक रिलेटेड पार्टी है और दूसरी रिलेटेड पार्टी को गुड्स या सर्विस दे रही है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एक डिस्टिंक्ट पर्सन है और दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स या सर्विस दे रहा है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर टू, SDMA प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये टॉप एग्जीक्यूटिव है उनका, एम्प्लॉई एक तरह से, 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दिया जा रहा है, टैक्स पेबल अंडर जीएसटी लगेगा, 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट है। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर कंसिडर एज रिलेटेड पार्टी एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 15 शेड्यूल फर्स्ट प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सेडिंग ₹50,000 इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ना बेटा, ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, बराबर है, ये हम बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे, हाल फिलहाल के लिए एक बार आप इसको सिर्फ जस्ट रीड कर लेना, ये आपकी वही डेफिनेशन है जो इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते हो, बराबर है। ना डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन में ये आपको सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 यहाँ पे दिया गया है, ए पर्सन हु हैज ऑप्टेंड इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेंड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, अभी मैंने समझाया एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, एक ही स्टेट में हो, एक ही स्टेट में अलाउ है, दो केस में अलाउ होता है, एक तो बिजनेस वर्टिकल अलग हो, अलग अलग हो, दूसरा अगर आपकी एक यूनिट SEZ में हो, कहाँ पर हो? SEZ में हो एक यूनिट, जैसे मान लो मेरी ये वाली यूनिट है, ये पेन बनाने का काम करती है, ये SEZ में है, ये दूसरी यूनिट है ये SEZ में है बट कहाँ पर है? मुंबई में ही है, मुंबई में SEZ के एरिया में, ये दूसरी यूनिट है मेरी जो मुंबई में ही है बट अंधेरी एरिया में, जो SEZ नहीं है, ओके दोनों यही पेन बनाती है, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा, इस केस में इसका रजिस्ट्रेशन अलग होना कंपलसरी है, ओके। नाउ अगर ये दोनों यूनिट में से एक भी SEZ में नहीं होती ना, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ही मिलता मुझे, क्योंकि दोनों पेन बनाती है, बिजनेस वर्टिकल अलग अलग नहीं है, तो अगर इनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो इनको भी क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। तो इधर देखो, स्टेट और ये यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। एक 25 सबसेक्शन 5 का मैं अभी लिखवाता हूं, बट उससे पहले एक बार आप ये एग्जाम्पल जो है वो एक बार देख लो यहां पर। Now friends, section 25 subsection 4 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, but section 25 subsection 5 जो है ना वो ये वाला point आप लिख लो एक बार, section 25 subsection 5, separate establishment in another state whether registered or not
सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। बट ये याद रखना, एक ही आदमी के होने चाहिए, अलग अलग के नहीं, एक ही पर्सन के। ओके, ये लिख लो। तो इसका मतलब हम यूँ बोल सकते हैं कि अगर मेरा ये एक ऑफिस है, हेड ऑफिस मान लो ये हेड ऑफिस है मान लो दिल्ली में, ये गुड़गांव में मेरा दूसरा ऑफिस है, या हरियाणा में मेरा दूसरा ऑफिस है, बराबर है, और यहीं पे सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, यहीं पे सारे के सारे बिजनेस होता है मेरा, यहाँ पे ये प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है मेरी, बराबर, इसलिए मैंने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, बराबर है। ओके ना, अब आ जाओ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अब ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का पॉइंट सर बीच में कहां से आ गया, अभी तो आपने बताया था पहले। बेटा मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं, कंबाइन कैसे कर रहा हूं, इधर देखो, हमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या पढ़ा था कि कंसिडरेशन अगर बाहर जा रहा है और इम्पोर्ट सर्विस का केस है तो वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो उसको सप्लाई माना जाएगा, ये हमने अभी पढ़ा था, बराबर है, लास्ट लेक्चर में। फिर हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, रिलेटेड पार्टी के बीच में विदाउट कंसिडरेशन होता है, विदाउट कंसिडरेशन, बराबर है, उस केस में विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन होता है तब भी सप्लाई माना जाएगा। अब सोचो रिलेटेड पार्टी ही मेरी फॉरेन कंट्री में है, इंपोर्ट सर्विस का केस है जिसमें रिलेटेड पार्टी का तड़का भी लगा हुआ है, बराबर, रिलेटेड पार्टी है, इंपोर्ट सर्विस है, अब उस केस में क्या इंपैक्ट होगा, अब वो देखना है यहां पर, जरा ध्यान से सुनते हैं। मान लो ये होल्डिंग कंपनी है मेरी, होल्डिंग कंपनी है मेरी, रिलेटेड पार्टी है, ये मेरी कंपनी को सर्विस दे रही है, मेरी कंपनी को सर्विस दे रही है, ये यूएस में है, ये कहां पर कंपनी, यूएस में है, ये मेरी कंपनी को सर्विस दे रही है जो इंडिया में है, इंपोर्ट सर्विस का केस है, वो भी विदाउट कंसिडरेशन दे रही है, क्या दे रही है, विदाउट कंसिडरेशन। तो जो पार्ट टू हमने पढ़ा था उसके लिए तो हमने क्या पढ़ा, इंपोर्ट सर्विस प्लस कंसिडरेशन होगा तो ही आएगा, बराबर है। अब यहां पर क्या करें इस केस में, तो इस केस में तो कंसिडरेशन है ही नहीं, बट यहां पर पार्ट थ्री लग जाएगा और यह सप्लाई मानी जाएगी। पार्ट थ्री क्या, रिलेटेड पार्टी है, बराबर है, विदाउट कंसिडरेशन है, बराबर है, तो रिलेटेड पार्टी के साथ विदाउट कंसिडरेशन डील हो रही है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो देखो इनका काम जो है ना वही सर्विस ही हमें दे रहे हैं, मान लो ये आर्किटेक्ट और ये आर्किटेक्ट की सर्विस ही हमको दे रहे हैं, बराबर है। तो उस केस में याद रखना दोस्तों, यहां पर सप्लाई मान करके जीएसटी लगेगा। केस नंबर टू, ये जो मुझे सर्विस दे रहे हैं वो इनका बिजनेस नहीं है होल्डिंग कंपनी का, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, ये आर्किटेक्ट है, बराबर, ये क्या आर्किटेक्ट है, ओके, बट ये कोई एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं मुझे जो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, क्या इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, और वो भी विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं। अब मैं इनको कंसिडरेशन तो कुछ भी नहीं दे रहा हूं, राइट, कुछ भी कंसिडरेशन नहीं दे रहा हूं, ये मुझे सर्विस दे रहे जो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब इधर देखना, मैं इनको कंसिडरेशन नहीं दे रहा हूं तो पार्ट वन भी नहीं लगेगा और पार्ट टू भी नहीं लगेगा सप्लाई का। पार्ट थ्री क्या बोलता है कि विदाउट कंसिडरेशन है रिलेटेड पार्टी के बीच में तो मैं आऊंगा, पार्ट थ्री लगेगा, लेकिन वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, यहां पर ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो यहां पर तीनों पार्टी नहीं लगेंगे और सप्लाई नहीं माना जाएगा, तीनों के तीनों पार्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो यहां पर सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका, बराबर है, ये मेरी होल्डिंग कंपनी मुझे कोई सर्विस दे रही है, वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, बराबर, बट मैं इनको कंसिडरेशन दे रहा हूं, मैं इनको पेमेंट दूंगा, कंसिडरेशन दूंगा, 10 लाख रुपीज में डील डन हुई है, पार्ट वन नहीं लगेगा, क्योंकि पार्ट वन क्या बोलता है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, साथ में कंसिडरेशन भी होना चाहिए। सर पार्ट थ्री रिलेटेड पार्टी है ना आपकी, पार्ट थ्री भी नहीं लगेगा, क्योंकि पार्ट थ्री क्या बोलता है, भले ही विदाउट कंसिडरेशन हो बट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और यहां पर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो सर फिर सप्लाई मानेंगे, यस, पार्ट सेकंड लगेगा यहां पर, कैसे, इन्होंने मुझे सर्विस दी इंपोर्ट सर्विस, वो सर्विस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है इनका, बराबर है, फिर भी मैं कंसिडरेशन तो दे ही रहा हूं, तो कंसिडरेशन है और इंपोर्ट सर्विस है, दो कंडीशन पूरी हो गई, बात ही खत्म, सेकेंड पार्ट में आएगा और सप्लाई माना जाएगा। तो वही हमारे कोर्स का पूरा एक चार्ट बनाया मैंने यहां पर,
तो देखो इंपोर्ट सर्विस विद कंसिडरेशन है। अब विद कंसिडरेशन तो मैंने क्या बोला, एक थंब रूल दिमाग में बैठा लो, इंपोर्ट सर्विस और कंसिडरेशन जा रहा है, कंसिडरेशन है क्या, इंपोर्ट सर्विस और क्या है कंसिडरेशन है। आंख बंद करके इस चीज को दिमाग में बैठा लो, आंख बंद करके इस चीज को दिमाग में बैठा लो, क्या उसको सप्लाई माना जाएगा यहां पर। ओके, विदाउट कंसिडरेशन है और इंपोर्ट सर्विस है तो क्या होगा, तो अगर वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, पहली कंडीशन, और रिलेटेड पार्टी मतलब डॉक्टर एसपी का कोई भी केस है, तो इसका मतलब रिलेटेड पार्टी वगैरह से मिल रही हो, रिलेटेड पार्टी से आ रही, क्या है रिलेटेड पार्टी से मिल रही हो, बराबर है। देखो विदाउट कंसिडरेशन जो है उसका एक्सेप्शन क्या, डॉक्टर एसपी है तो रिलेटेड पार्टी से मिल रही हो, और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो इधर देखो विदाउट कंसिडरेशन सर्विस इंपोर्टेड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, ओके। इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो सप्लाई, नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, बराबर। सर्विस इंपोर्टेड फ्रॉम अदर देन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन तो उसको फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो रिलेटेड पार्टी नहीं है तो पार्ट थ्री नहीं आएगा, पार्ट टू क्या बोलता, कंसिडरेशन होना चाहिए, और इंपोर्ट सर्विस तो कंसिडरेशन है नहीं तो वो नहीं आएगा, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन का पार्ट है। पार्ट वन क्या बोलता है, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, दोनों ही नहीं है, बराबर है। तो इसका मतलब तीनों में से कोई भी पार्ट यहां पे नहीं आएगा तो इसको सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, कोई डाउट, पक्का श्योर, 100%, दैट्स गुड। नाउ फ्रेंड्स अब आते हैं हम स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर पे, अगला पॉइंट हमारा। ओके, ध्यान से समझो इधर, थर्ड पॉइंट स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, ये क्या बोलना चाहता है ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल से समझो पहले, ये मेरा एक ऑफिस है मुंबई में, ये मेरा ऑफिस है मुंबई में, ये मेरी ब्रांच है मुंबई में, यही ऑफिस है, यही ब्रांच है, यहीं से मैं काम ऑपरेट करता हूँ, ये प्लेस ऑफ बिजनेस है मेरा मुंबई में। ओके, ये एक अहमदाबाद में ब्रांच है, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, दोनों मेरी ही ब्रांच है। यहां से मैंने इस ब्रांच में स्टॉक भेजा है, उसको भी सप्लाई माना जाएगा, भले विदाउट कंसिडरेशन हो, भले विदाउट कंसिडरेशन हो। ओके, केस नंबर वन। केस नंबर टू, ये महाराष्ट्र में मेरा एक ऑफिस है, ये महाराष्ट्र में मेरा दूसरा ऑफिस है, या दूसरी ब्रांच है, एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, ये दूसरी ब्रांच है महाराष्ट्र में। मान लो इस ब्रांच से इस ब्रांच में मैं स्टॉक भेज रहा हूं, स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं, और दोनों ब्रांच एक जो है, दोनों ब्रांच का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, क्या है अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो स्टॉक भेजा विदाउट कंसिडरेशन उसको सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। बट अगर दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर मैंने इस ब्रांच से इधर स्टॉक ट्रांसफर करूंगा, मैं इस ब्रांच से इस ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर करूंगा, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है तो। इधर देखना, इधर देखना, एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये एक ऑफिस मेरा, ये दूसरा ब्रांच ऑफिस, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ब्रांच वन ब्रांच टू, दोनों का सिंगल रजिस्ट्रेशन है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि दोनों बिजनेस वर्टिकल अलग अलग नहीं है, बिजनेस वर्टिकल एक तो मेरे, दोनों ब्रांच में पेन बनता है, बराबर है, या ये वाली ब्रांच पेन बनाती है, वो प्लास्टिक के आइटम्स बना करके इधर बेचती है, बराबर है, दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मुझे अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। मैंने यहां से यहां पे स्टॉक भेजा, बराबर है, स्टॉक ट्रांसफर किया, नो सप्लाई अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है दोनों का, तो क्योंकि दोनों कहां है महाराष्ट्र में, बराबर, दोनों महाराष्ट्र में, समझा। नाउ एग्जाम्पल को अब चेंज कर रहा हूं मैं, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, ये भी रजिस्टर्ड है और इसका भी रजिस्ट्रेशन है, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, बराबर है, क्यों, क्योंकि भाई एक प्लास्टिक बनाती है और एक टॉयज बनाती है मान लो, बराबर है, तो उस केस में मेरा यह मानना है कि भाई बिजनेस वर्टिकल अलग अलग है तो मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन लूंगा। उस केस में अगर स्टॉक ट्रांसफर किया मैंने यहां से यहां पर और दो रजिस्ट्रेशन इनके, उस केस में फिर विदाउट कंसिडरेशन में स्टॉक ट्रांसफर होगा तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, बराबर है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लो
अलग अलग स्टेट का केस है तो क्या होगा, इधर देखना, ये मैंने एक्चुअली बता रखा आपको जो व्हाइट बोर्ड पे हमने लिया था, ये गुजरात है, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है इन्होंने, यहाँ से यहाँ पर माल भेजा, स्टॉक ट्रांसफर बराबर है, सप्लाई माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, ब्रांच ट्रांसफर स्टॉक ट्रांसफर। अब इधर देखो, ये ब्रांच ट्रांसफर की बात कर रहा है, स्टॉक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, बराबर है, तो इसकी लैंग्वेज क्या होती है, इधर देखना, ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन, लोकेशन अलग अलग है, विथ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग होने चाहिए, बराबर है, ऑफ सेम लीगल एंटिटी, एक ही आदमी की, एक ही लीगल एंटिटी के पार्ट, तो सब ब्रांचेज हैं जो कॉमन पैन में रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर विल क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी, उसको सप्लाई माना जाएगा। और मैंने आपको बताया भी कि इसमें पैसा जो काफी ब्लॉक हो रहा है हमारा, पैसा काफी ब्लॉक हो रहा है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी सरकार ने रूल बनाया बनाया है, जब मैं माल यहां से B1 से यहां पर गुजरात भेजूंगा, ये B3 मान लेता हूं, B1 से B3 भेजूंगा, मुझे जीएसटी पे करना है, उसका क्रेडिट B3 को मिलेगा, B3 को मिलेगा, मैं IGST पे कर दूंगा, B3 को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, बट वो यूज कब करेगा, जब B3 आगे माल बेचेगा, बराबर है, और मान लो आगे उसने 3 महीने बाद बेचा, तो 3 महीने बाद वो क्रेडिट यूज होगा, तो 3 महीने तक मेरा पैसा तो ब्लॉक हो गया, बट हो गया तो हो गया, कुछ कर नहीं सकते यहां पर इस प्रोविजन का हाल फिलहाल। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ये क्या होता है आपके, मान लो ये मेरा एजेंट है, ये एजेंट मेरा दिल्ली में है, मैं मुंबई में हूं, मेरे बिहाफ पर ये वहां पर माल खरीदता है और मुझे भेज रहा है, उसको सप्लाई माना जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, IGST चार्ज होगा, बराबर है, और प्रिंसिपल पे करेगा डिपार्टमेंट को, ओके, वो अलग बात है कि हम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, बराबर है, उसकी पॉकेट से तो क्या है, वो पे करेगा, मैं उसका क्रेडिट लूंगा, तो मुझसे चार्ज करेगा IGST। अब इधर देखना, मैं मुंबई का हूं, मैं यहां से कोई माल भेज रहा हूं, इनको एजेंट को भेज रहा हूं, जो मेरा एजेंट है, मैं माल भेज रहा हूं, कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूं, बट ये मेरा एजेंट है, ये दिल्ली में है, मैं मुंबई में हूं, मैं माल भेज रहा हूं, इसको सप्लाई माना जाएगा, ये मेरे बिहा पर बेचेगा वहां पर माल को, सप्लाई माना जाएगा, मैं इससे IGST चार्ज करूंगा प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल को उसका क्रेडिट मिल जाएगा बाद में, समझ में आया। तो प्रिंसिपल एजेंट के केस में जो गुड्स आप सप्लाई करते हो या बाय करते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का केस है, तो एजेंट प्रिंसिपल के बिहा पर गुड्स बाय करके भेजता है प्रिंसिपल को, या प्रिंसिपल एजेंट को भेजता है ताकि एजेंट प्रिंसिपल के बिहा पर उसको सेल करे आगे, दोनों ही केसेस में सप्लाई कंसिडरेशन, सप्लाई कंसिडर होगा ये। तो इधर देखो, प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, अब एजेंट इसके बिहा पर थर्ड पार्टी से माल लेता है या बेचता है, सप्लाई कंसिडर होगा, क्योंकि लेगा तो फिर एजेंट भेजेगा प्रिंसिपल को वो गुड्स, तो सप्लाई माना जाएगा। अब याद रखना बेटा, ये जो केस है ना, वो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विस के लिए नहीं। सर, सर्विस के लिए क्यों नहीं है बेटा, मेरा एजेंट मेरे बिहा पे सर्विस नहीं दे सकता है, मुझे जीएसटी पढ़ाना है तो मेरा एजेंट मेरे बिहा पर जीएसटी नहीं पढ़ा सकता है, समझ में आया, मुझे ही जाना होगा, ओके, दैट्स गुड। तो बेटा ये 4 केसेस थे, जो विदाउट कंसिडरेशन भी हो तब भी क्या माने जाएंगे, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माने जाएंगे, ओके। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं, PQR मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड मुंबई एंगेज राहुल एंड सन्स एज एन एजेंट टू सेल गुड्स ऑन इट्स बिहाफ, फॉर दिस पर्पस PQR मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज सप्लाइड द गुड्स टू राहुल एंड सन्स लोकेटेड इन हरियाणा, मतलब PQR तो मुंबई में है और हरियाणा में उन्होंने गुड्स भेजा अपने एजेंट को, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब आ रहे पार्ट 4, शेड्यूल सेकंड, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट बेटा ये जो है हम थोड़ा बाद में करेंगे, हम इससे पहले क्या ले लेते हैं, हम इससे पहले लेंगे आपके ये वाला पार्ट 5, नेगेटिव स्टैंडर्ड जीएसटी, ये वाला हम पहले शुरू करते हैं, समझ में आया। नाउ फ्रेंड्स, पहले हम पार्ट 5 ले रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हम पहले वो खत्म कर रहे हैं, देन पार्ट 4 पे आएंगे हम, ओके ना। नेगेटिव लिस्ट जो है उसको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, मतलब सप्लाई का एक्सक्लूजन है वो,
इसका मतलब नेगेटिव लिस्ट में हम जो आइटम पढ़ने वाले, जो ट्रांजेक्शन हम पढ़ने वाले, जिन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले, वो सब चीजें सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं माने जाएंगे, मतलब वो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं होते हैं। इसका मतलब उनपे जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता है। तो सर वो क्या है, तो हमारा की क्या था, आई फेस, एफ ए सी ई, बराबर है आई फेस। इसी के हिसाब से हम चलेंगे, इसी की के हिसाब से। आई का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक काम करो, आपका ये जो बुक के अंदर फिफ्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट वहां पर आई लिख दो और इसका की लिख दो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन उसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूं मैं, क्या लिखो, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके ना, लिसन, अब समझो पहले इसको, देन हम आगे पढ़ेंगे। समझो, यहां पर मैं एक बिल्डर हूं, मैं एक बिल्डर हूं। ओके, ये भाई साहब आया मेरे पास में, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बोले मिस्टर गॉड, ये बिल्डिंग जो आपकी कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारे को बुक करनी है, दो फ्लैट बुक करने हैं, इन्होंने बोला। मैंने कहा बिल्कुल सर कीजिए, 10 लाख रुपीज डाउन पेमेंट कर दीजिए अभी, बराबर है। देन फिर हर दो महीने बाद आपको 10 लाख देने, 10 मंथ्स तक, बराबर है। देन उसके बाद ये बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाएगी, ओसी मिल जाएगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो होता है, ऑक्यूपाइड करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं ओसी, ओसी मिल जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग मैं दोनों दो फ्लैट आपके, आप ओनरशिप आपकी फिर, नहीं नहीं अभी भी ओनरशिप आप ही की रहेगी, हमको तो खाली क्या कंस्ट्रक्शन तक, हम पोजीशन आपको बाद में देंगे। हाँ ओके, अब दोस्तों इन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बुक की है, अब भली प्रॉपर्टी मूवेबल है फिर भी सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा, क्योंकि इसको सर्विस बोला जाता है। क्या सर कुछ भी बंकस मारते हो, अभी आपने क्या बोला, नेगेटिव लिस्ट में आता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो बिल्डिंग है वो बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें दो फ्लैट इन लोगों ने बुक किए हैं, आप इनसे पैसा ले चुके हैं, आप सप्लायर, ये रिसिपियंट कंसिडरेशन है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बट नेगेटिव लिस्ट में है तो सप्लाई क्यों माना जाएगा। बेटा अब यही बात समझानी है तुमको, नेगेटिव लिस्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ओसी मिल गया, बराबर है। तो अब इधर देखो, कोई भी बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करने के लिए ओसी होना बहुत जरूरी है, जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बराबर, तब तक आप वो बिल्डिंग रहने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और ओसी मिल गया, बराबर है। उसके बाद अगर आपने किसी को बिल्डिंग बेची तो वो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए ये बिल्डिंग बन चुकी है, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, बराबर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये बिल्डिंग में अगर मैं आपको फ्लैट देता हूं, अब इसका ओसी आ चुका मेरे पास, अब मैं आपको फ्लैट देता हूं और आपसे मैं 1 crore rupees चार्ज करता हूं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर अगर आपने मुझे बोला कि आपको फ्लैट बुक करना है इसमें, और आपने मुझे पेमेंट किया, और ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बाद में पोजीशन आपके हैंड ओवर करूंगा, उसी बाद में मिलेगा मुझे, जब बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाएगी, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो दोस्तों इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इसको सप्लाई माना जाएगा। अब क्वेश्चन है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, पता होना चाहिए ऐसा क्यों, रीजन सुनना। ये वाली बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, आपने आकर के आज बुक करवाई, आप इसके डीम्ड ओनर हो गए। अब ये जो दो फ्लैट है आपने बुक करवाया, दो फ्लैट के मालिक आप हो। अब मैं, हमने अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं किया, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसका मतलब हम आपके लिए, वो दो फ्लैट है ना, उन पर्टिकुलर दो फ्लैट के केस में हम आपके लिए सर्विस दे रहे हैं, वो फ्लैट, दो फ्लैट हम आपके लिए बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, बराबर है। क्योंकि अब उनके मालिक आप हो, हम यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम आपको सर्विस दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की सर्विस, बराबर है, ये सर्विस में कवर होता है, इसके लिए यहां पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ओसी मिल गया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर कोई भी बिल्डिंग आपने सेल की है, ट्रांसफर की है, ट्रांसफर वर्ड यूज किया, देखो रेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा, ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल की है, ट्रांसफर की, गिफ्ट में दी है, कुछ भी किया हो, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां पर एक और चीज,
एक और चीज सोचने वाली बात, ध्यान से सुनना। यहां पर एक और केस लेते हैं हम। सर क्या केस? इधर देखना बेटा, मान लो आप आए मेरे पास में, बोले सर लीज पे जमीन चाहिए, ये मेरी जमीन है पीछे, ये लीज पे चाहिए, मैंने आपको लीज पे दी है, जीएसटी लगेगा क्योंकि मैंने जमीन बेची नहीं आपको, ट्रांसफर नहीं की मैंने आपको, राइट? बराबर है, सिर्फ लीज पे दी है, वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आएगा। आप ये नहीं बोल सकते सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये तो नेगेटिव लिस्ट में आएगी। बेटा अगर ये जमीन मैं आपको बेच देता तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, जो भी प्राइस मैं आपसे चार्ज करता उस पर, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट लीज पे दी है मैंने आपको, रेंट पे दी है मैंने आपको, तो बेटा उसको फिर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और जीएसटी चार्ज हो जाएगा। तो इधर देखो ये क्या बोलना चाहता है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ लैंड, पहले तो लैंड को अगर आपने बेचा वो नेगेटिव लिस्ट में, फिर आगे बोला एंड एंड दूसरा किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, शेड्यूल सेकंड के पैराग्राफ 5 के अंदर जो क्लोज बी है उसके हिसाब से आपने बिल्डिंग बेची, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब था बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद बेची है। तो बोलिए चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑब्टेनिंग ओसी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। चलो नाउ समझ में आया आई, तो ये आई कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट की एफ, एफ जो है आपके वो क्या है, फ्यूनरल वगैरह, तो ये आपके यहां पे आ गया एफ फोर्थ पॉइंट में, सर्विस ऑफ फ्यूनरल बुरियल सेरेमोटोरियम मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। इधर देखो ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना समझना। यहां पर मान लो किसी की डेथ हो गई, ये भाई साहब की डेथ हो गई, डेड बॉडी है, इसको हम दफनाने के लिए लेकर के गए, जलाने के लिए लेकर के गए, वहां पर अगर वो बोलेगा भाई साहब जीएसटी पे करो, जो भी पैसा जलाने का लूंगा उस पर जीएसटी भी लगेगा। यार एक तो घर में मातम है, सरकार फिर भी जीएसटी लेगी डेड बॉडीज के ऊपर? सरकार ने बोला ना मुन्ना ना, नेगेटिव लिस्ट में कवर है, इनको जलाना दफनाना या डेड बॉडी लाने ले जाने का काम जो गाड़ियां करती वो सब आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगी क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट में आता है। ओके नाउ नेक्स्ट एक का एक्शनेबल क्लेम, सिक्स पॉइंट है ए एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग यहां पे कवर नहीं है नेगेटिव लिस्ट में। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम के बारे में हमने बात की थी, वापस एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपसे 1,00,000 रुपया मांगता हूं, आपने बोला कि सर हम अभी नहीं देते आपको 1,00,000 रुपया, हम बिल लिख देते, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख करके मुझे दे दिया। मैं बैंक के पास गया, ये बैंक के, मैंने बैंक को बोला कि 85,000 में डिस्काउंटेड करते हो क्या बिल को, इन्होंने 85,000 में बिल डिस्काउंटेड कर लिया, बराबर 15,000 इनका इंटरेस्ट है, वो अलग बात है, 15,000 पर जो है जीएसटी लगना चाहिए, वो सर्विस की वैल्यू मानी जाएगी, बराबर है। बट मैंने 85,000 में बेच दिए थे सारी चीजें, वो 85,000 जो है ना वो एक्शनेबल क्लेम, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अब इनके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये कभी भी आपसे क्लेम ले सकते हैं उसके बदले। ओके सर वो 15,000 जो है वो सर्विस होगी, वो इंटरेस्ट हो गया ना एक तरह से, जो बैंक ने डिस्काउंटेड 1,00,000 की चीज को 85,000 में किया, 15,000 बैंक ने कमाया, वो इंटरेस्ट है। बट वो अलग बात है कि हम एग्जम्पशन पढ़ेंगे आगे, वहां पर इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, बट वो 15,000 सप्लाई मानी जाती है इस केस में। ओके केस नंबर टू, मेरे खूब सारे डेटर है, 5 करोड़ डेटर है, 3 महीने बाद पैसा देंगे वो, मुझे आज अर्जेंट जरूरत है 4,50,00,000 की, ये भाई साहब है, मैंने इनको सारे डेटर ट्रांसफर कर दिए, अनसिक्योर्ड डेट ट्रांसफर करना, मैंने अपने सारे डेटर इनको ट्रांसफर कर दिए कि भाई साहब ये सारे डेटर आपके, इनसे आप पैसा वसूल करो और पूरा पैसा आप रख लो, मुझे अभी 4,50,00,000 दे दो, इन्होंने 4,50,00,000 मुझे दे दिए। ये जो केस है एक्शनेबल क्लेम, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा 4,50,00,000 पर, बराबर है। अब इधर देखना एक्शनेबल क्लेम गुड्स होता है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, गुड्स होता है, गुड्स की डेफिनेशन में आता है, बट वो नेगेटिव लिस्ट में है, नेगेटिव लिस्ट में है, इस वजह से उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इससे एक बात साबित हो गई है, आने वाले टाइम में सरकार गुड्स को नेगेटिव लिस्ट में डाल रही है, एक्शनेबल क्लेम को नेगेटिव लिस्ट में डाल रही है,
वो अपनी मंशा जाहिर कर रही है, इन फ्यूचर में उनका मूड हुआ तो वो कभी भी इस चीज को टैक्सेबल बना सकती है, बट बनाना इतना आसान नहीं है। ओके नाउ ये हो गया आपके एक्शनेबल क्लेम। सी का मतलब होता है यहां पर दो केस आएंगे, सी वन सी टू, एक कोर्ट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ओके पहले आते हैं ये सी वन, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अब इधर समझना, इसका एग्जाम्पल देखो, लिसन। अभी अभी जो है कई बाबा लोग हैं जो उल्टे सीधे कांड करते हैं, फिर जेल जाते हैं, और जो है जेल में उनको सजा सुनाई जाती है, हाईकोर्ट ने सजा सुनाई, और वो सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भाई पहले ऐसे काम ही क्यों करते हो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े आपको, बराबर है? तो अब मान लो किसी बाबा को सजा हो गई, वो कह रहा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, भाई सुप्रीम कोर्ट भी पहले आपसे कुछ डिपॉजिट लेगी, भाई कुछ पैसा दो, वो फीस चार्ज करती है सुप्रीम कोर्ट। वैसे हाई कोर्ट में कह जाता था, हाई कोर्ट भी फीस चार्ज करती है। ट्रिब्यूनल में कोई केस लेकर के जाते हो तो वहां पे भी फीस लगती है। तो ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपसे ये जो फीस चार्ज करती है ना, आप जो केस फाइल करते हो उसके लिए फीस चार्ज करती है, उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो नेगेटिव लिस्ट में। यहां पर समझ में आया? पक्का श्योर? 100%, दैट्स गुड ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट जो है वो है सी टू, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। बराबर है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, यस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। अब जरा देखते हैं इधर क्या क्या आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है ना इसको मार्क कर लो, समझो इधर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में क्या क्या इन्होंने कवर किया है। इन्होंने बोला एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये जो एमपी है ये एमएलए आपके, ये एमएलए भी आएंगे इधर, तो एमपी भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं, ये सरपंच साहब को मत भूलो, ये सरपंच साहब भी आते हैं यहां पर, और पंचायत के लोग जो होते हैं ना, मेंबर ऑफ पंचायत, ये भी आएंगे, पूरे पंच जो है, पूरी मंडली है जो बैठी हुई है सरपंचों की, ये भी आएगी। उसके अलावा आपके और क्या क्या और कौन कौन आ सकते हैं, मेयर वगैरह हो गए आपके, बराबर है? तो ये मेयर साहब भी आएंगे। इनके अलावा गवर्नर हो गए आपके, बराबर है? होते ना स्टेट के गवर्नर, गवर्नर आएंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी एंड एजी, वो आएंगे। या कोई भी गवर्नमेंटल बॉडीज होती है ना वहां के चेयरपर्सन, जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, उनके चेयरमैन वगैरह। जरा देखते हैं ये क्या बोलता है, इधर देखो थर्ड पॉइंट, द फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत सरपंच वगैरह, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपलिटीज और मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, आपके ये जो नगर सेवक वगैरह होते हैं वो, दूसरा आपके ये मेयर वगैरह जो होते हैं वो। ओके ये लोग जो सर्विस देते हैं, आप जैसे ये एमपी है, ये एमपी क्या सर्विस देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या सर्विस देते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर पार्लियामेंट में, बदले में सरकार इनको पैसा देती है हर महीने का महीने, बराबर है? तो जो पैसा देगी ये उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सर्विस दे रहे हैं वो क्या है, पूरी तरह से नेगेटिव लिस्ट में कवर है। अब इधर देखना दोस्तों, आप अपने दिमाग में ये थॉट मत लेकर के आना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ऐसा कैसे हो सकता है, सर्विस थोड़ी देते हैं वो तो वहां पे मस्त मजे करते हैं, भाई वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनको जो हर महीने पैसा मिलता है वो सैलरी नहीं होती है, वो सैलरी नहीं मानी जाती है, वो उनको जो दिया जाता है वो उनकी फी है जो वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर उस चीज के लिए, बराबर है? तो उसको नेगेटिव लिस्ट में डाला गया, वो सैलरी नहीं होती, याद रखना, मेंबर एमपी वगैरह एमएलए को जो पैसा मिलता है ना वो सैलरी में कवर नहीं होता है। ओके इसलिए देखो इनकम टैक्स भी नहीं लगता उनके ऊपर, बराबर है ना? नेक्स्ट आते हैं आपके, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परस्यूएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यहां पे क्या आता है, इसके एग्जाम्पल में लिख लो आप, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट के गवर्नर होता है ना राज्यपाल वो, दूसरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सी एंड एजी, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उन केसेस की ऑडिट करवाते हैं, गवर्नमेंट
कंपनीज के ऑडिट वगैरह करवाते हैं, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो होते हैं वो यहां पर आ जाते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट आता है द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और ए मेंबर और ए डायरेक्टर इन बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड इट एज एन एम्प्लॉय बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लोज। इसका मतलब जानते हो क्या आता है? चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA का चेयरमैन लिख लो यहां पर, चेयरमैन ऑफ IRDA वो यहां पर आता है। दूसरा इधर और कौन आता है IRDA के चेयरमैन के अलावा? MIDC का चेयरमैन, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बराबर है। GIDC का चेयरमैन, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो सब यहां पे आते हैं। ओके, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कहलाते हैं बेटा। और ये जो सर्विस देते हैं उनके बदले इनको जो पैसा मिलता है उस पर GST चार्ज नहीं होता है। कोई डाउट? पक्का श्योर? तो इधर देखो आपके CB हो गया। अब लास्ट आता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये एम्प्लॉय वाला बेटा आपने सर्विस टैक्स में भी पढ़ा है, वही है। तो जरा एक बार इसको हम ढंग से वापस से देखते, बट पहले आप बाकी के जो सर्विसेज एक बार उसको रीड करो। नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारा है, जो ई पार्ट है ई, उस पे आते हैं ई, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, एम्प्लॉयर को, तो उस केस में उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। अब इधर देखना, ये एक एम्प्लॉय है, ये मेरा एम्प्लॉय है, ये मुझे सर्विस देता है, हर महीने में इनको 25,000 25,000 पर मंथ पे करता हूं। कितना? 25,000 पर मंथ में इनको पे करता हूं, बराबर है। अब इधर देखना ध्यान से, वो जो 25,000 पर मंथ में इनको पे कर रहा हूं, पर मंथ इनको पे कर रहा हूं 25,000, बराबर है, उस पर ये मुझसे GST चार्ज नहीं करेंगे। अब इधर देखना, ये सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूं, बराबर है, ये सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूं, मैं इनको कंसिडरेशन देता हूं, ये मेरे यहां पे काम करते तो सर्विस देते हैं, बराबर है, और वो इनका काम है सर्विस देना, फिर भी यहां पर GST नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में कवर कर लिया गया है इसको, कि एम्प्लॉय जो भी सर्विस अपने एम्प्लॉयर को देगा बदले में एम्प्लॉयर उनको जो भी कंसिडरेशन देता है, जो भी पेमेंट देता है, जो भी सैलरी देता है, उस पर GST चार्ज नहीं होगा अगर ये एम्प्लॉय है तो, बराबर है। नाउ एक और केस लेते हैं, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर यह बात तो बोल दी गई है। अब मैं अगर एम्प्लॉय को कोई भी चीज देता हूं, तो मैं अगर एम्प्लॉय को दूंगा उस केस में उसको सप्लाई माना जाएगा, भले वो विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि ये मेरी रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं एम्प्लॉय। गिफ्ट 50,000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर तक सप्लाई नहीं माना जाएगा, उससे ज्यादा हुआ तो सप्लाई माना जाएगा। ओके, बट एम्प्लॉय मुझे देगा तो ये यहां पर नेगेटिव लिस्ट में कवर हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और केस देता हूं मैं, आप समझाता हूं। ये जो मेरा एम्प्लॉय है ना, ये मेरे यहां पे अकाउंटेंट की जॉब करता है। क्या करता है? अकाउंटेंट की जॉब करता है, बट ये टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बनाना भी जानता है। मैंने इनको बोला, यार एक काम करो ना, वो सॉफ्टवेयर बनाओगे क्या तुम मेरे लिए? इन्होंने बोला, सर मैं आपके यहां पे जॉब करता हूं, हर महीने आप 1,00,000 रुपीज मुझे पे करते हो सैलरी का, बट वो मेरी जॉब है, उसके लिए पे करते हो। अगर मैं आपके लिए टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बनाऊं तो उसके लिए मैं अलग से 10,00,000 रुपीज चार्ज करूंगा। अब ये जो 10 लाख मैं इनको अलग से दूंगा ना, अलग से, वो इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, इनके एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं है, वो अलग से दे रहा हूं मैं इनको, वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे डील हो रही है, ना कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। वो एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को सर्विस दे रहा है, बराबर है, क्योंकि ये अपने बिजनेस का मालिक है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है उस बिजनेस का ये मालिक है, और मैं इसको सॉफ्टवेयर चाहिए, ये मुझे सॉफ्टवेयर बना करके देगा, बराबर है। तो ये मेरा एम्प्लॉय मुझे सॉफ्टवेयर बना करके अगर दे रहा है तो ये प्रिंसिपल है, उस केस में एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा और मैं भी प्रिंसिपल हूं, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे डील माना जाएगा। मैं इनको जो 10 लाख पे करूंगा ना, वो सप्लाई मानी जाएगी, उस पर GST लग जाएगा, बट जो हर महीने में इनको 1 लाख पे कर रहा हूं पगार सैलरी, उस पर GST नहीं लगेगा। क्योंकि देखो लैंग्वेज क्या बोलती है, लैंग्वेज क्या बोलती है, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स, अंडरलाइन करो, ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में, बराबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये XYZ पर्सन है जो मेरे पास में है, हमारे और इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, मैं इनको जॉब पे रखता हूं, भाई साहब मैं आपको हर महीने 1,00,000 रुपया सैलरी दूंगा, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, अग्रीमेंट पेपर साइन कर लेते हैं हम, बराबर है,
अग्रीमेंट पेपर हमारे बीच में साइन हो गया, आप 12 मंथ्स तक छोड़ करके नहीं जा सकते मुझे, और मैं आपको निकालूंगा नहीं। अगर आप छोड़ करके गए तो आप 3 लाख का कंपनसेशन मुझे देंगे, और अगर मैंने आपको निकाल दिया तो मैं 3 लाख का कंपनसेशन आपको दूंगा। डील डन। 2 महीना, 2 मंथ्स पहले महीने में 1 लाख रुपया दिया मैंने इनको, अब एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा हूं, वो मुझे एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ही सर्विस दे रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट में आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरे महीने में फिर 1 लाख दिया, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। 2 महीने में मुझे मालूम चल गया कि मैं खाली चैरिटी कर रहा हूं एक तरह से, इनको कुछ आता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं इनको काम की। मैंने कहा भाई साहब आप प्लीज मुझे बख्शो और आप निकलो, मैं अब आपको नहीं झेल सकता, आप निकलो, मैं टर्मिनेट करता हूं आपको। इन्होंने मुझे क्या बोला, मिस्टर गौर ऐसे कैसे टर्मिनेट कर रहे हो, 3 लाख रुपया दो पहले। मैंने 3 लाख रुपया इनको दिया, मैंने कहा ये 3 लाख रुपीज पकड़ो, बट प्लीज प्लीज जाओ यहां से। क्या उस 3 लाख पे जीएसटी लगेगा और उसको सप्लाई माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो भी इनके एम्प्लॉयमेंट की वजह से दिया है मैंने। अभी ये मेरा एम्प्लॉय है, जब वो 3 लाख दिया उसके बाद इन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ा है, वो 3 लाख उसी के कनेक्शन में माने जाएंगे और इसको सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। क्योंकि इधर देखो, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी यहां पर कवर किया गया है, तो इनके एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में वो 3 लाख दिए गए हैं, तो उनपे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा। कोई डाउट यहां पे? पक्का श्योर 100%? हाँ। तो फ्रेंड्स, एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आती है। तो यहां पर हमारा ये नेगेटिव लिस्ट का लास्ट पॉइंट भी हम यहां पर खत्म करते हैं, और यहां पर हमने सारे केसेस कवर कर लिए हैं, किसके एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है वो वाले। ए भाई, ये कौन बताएगा कि जो डायरेक्टर होता है उसके केस में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, क्या वो नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा या नहीं होगा, ये कौन बताएगा? सॉरी फ्रेंड, एक पॉइंट रह गया था, डायरेक्टर वाला। वो डायरेक्टर वाला पॉइंट हम अभी कवर करते हैं। डायरेक्टर वाला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। डायरेक्टर में 2 तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक होल टाइम डायरेक्टर होता है, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है, बराबर है। होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये जो भाई साहब है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एक कंपनी में, या होल टाइम डायरेक्टर है एक कंपनी में, कंपनी इनको जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देती है, बराबर है, उस पर ये कंपनी से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। ये भाई साहब कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि मैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो लूंगा उस पर जीएसटी भी लूंगा क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूं कंपनी को। अरे भाई साहब, आप मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, आप एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किए जाएंगे और कुछ नहीं, आप एक तरह से सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, बराबर है। तो ये किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किए जाएंगे यहां पर। ओके, समझ में आया। अब इधर देखना, ये तो हो गया होल टाइम डायरेक्टर का। मैं रिलायंस के अंदर एक डायरेक्टर बट पार्ट टाइम डायरेक्टर, सिर्फ बोर्ड मीटिंग में जाता हूं, ये रिलायंस कंपनी है, मैं इसके अंदर एक डायरेक्टर हूं, पार्ट टाइम डायरेक्टर, सिर्फ बोर्ड मीटिंग में जाता हूं। अब मैं इनका एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं होऊंगा, मैं जो बोर्ड मीटिंग में जाऊंगा सिटिंग फी भी लूंगा, उस पर जीएसटी चार्ज होगा, वो सप्लाई मानी जाएगी, और वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। किसमें आएगा? आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगा। किसमें कवर होगा? आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कवर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे। अब एक और केस वापस से सुनो, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं रिलायंस कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय ट्रीट हूं कर क्या जाएगा मुझे, और मैं रिलायंस से जो भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लूंगा उस पर मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में है। मैं रिलायंस कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर हूं, मैं सिटिंग फी लेता हूं, तो जो मैं सिटिंग फी लूंगा उस पर जीएसटी लगेगा, बट मैं रिलायंस कंपनी से वो जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। रिलायंस कंपनी अपना जीएसटी जो बनता है वो खुद डायरेक्ट पे करेगी सरकार को, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। जीएसटी लगेगा जरूर, सप्लाई मानी जाएगी, बट ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि देखो, दो केस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है जिसको आपने सर्विस दी, सप्लायर जो है सप्लायर, वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है और सरकार को पे करता है, वो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रिसिपिएंट होता है सप्लायर उससे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। जैसे ये रिलायंस कंपनी है, मैं डायरेक्टर हूं, कौन सा डायरेक्टर हूं, पार्ट टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बराबर, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हूं मैं।
तो मैं इनको सर्विस दे रहा हूं, तो मैं सप्लायर हूं, ये रिसिपियंट है, मेरी सेटिंग फी मान लो 20,000 बनती है, उस पर जीएसटी होगा, वो जीएसटी मैं कंपनी से चार्ज करके सरकार को पे नहीं करूंगा, जीएसटी लगेगा जरूर बट ये कंपनी खुद पे करेगी सरकार को, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो कुछ ऐसी सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है, वो हम अलग से एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, बराबर है। हाल फिलहाल इतना ध्यान रखो कि पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर किसी कंपनी को सर्विस देता है तो वो सप्लाई कंसिडर मानी जाएगी। अब इधर देखना एक और केस, मैं पार्ट टाइम डायरेक्टर हूं IRDA में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो दोस्तों मैं उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माना चाहूंगा। रीजन क्या है कि IRDA जो है, IRDA बराबर है, वो उसके अंदर मैं चेयरपर्सन हूं, उसके अंदर मैं डायरेक्टर हूं, तो इसका मतलब जानते हो दोस्तों, गवर्नमेंटल बॉडी में मैं डायरेक्टर हूं और उसको नेगेटिव लिस्ट में कवर किया गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का पार्ट था ना, उसके अंदर थर्ड केस में हमने कवर किया था, सी के अंदर, बराबर है, समझ में आया। तो दोस्तों एक बार वापस से ये पूरा चार्ट देखते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस देता है अपने एम्प्लॉयर को तो नो सप्लाई, बट अगर कोई प्रोफेशनल आदमी सर्विस देगा जो एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लग सकता है। अदर देन एम्प्लॉय कोई सर्विस दिया जाता है, जैसे मेरा एम्प्लॉय था, उसको मैंने टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बनाने को बोला, वो अदर देन एम्प्लॉयमेंट में आता है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे तो सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लग सकता है। दूसरा डायरेक्टर के केस में, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो आप एम्प्लॉय की तरह ट्रीट होगे, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो और गवर्नमेंटल बॉडी में हो तो नॉट ए सप्लाई, नो जीएसटी, इसका रीजन है ये वाला सी पॉइंट, आपका थर्ड का सी पॉइंट, बराबर है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट बॉडी में डायरेक्टर हो, जैसे टाटा में या रिलायंस में पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो उस केस में सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा, बट वो आरसीएम में चला जाता है। मैं रिलायंस से टैक्स चार्ज नहीं करूंगा, मैं खाली अपनी फीस ले लूंगा और टैक्स अपना रिलायंस खुद ही पे करेगा, ये हम डिटेल में आरसीएम में पढ़ेंगे, तो आपका लॉजिक और रीजन भी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों होता है। अब खाली इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार के लिए। इधर देखो, सर्विस प्रोवाइडेड अदरवाइज देन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो टैक्सेबल होगी क्योंकि उसको सप्लाई माना जाता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे, तो टैक्सेबल होगी, एम्प्लॉय नहीं हो आप यहां पर। अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर को कोई पैसा दिया है किस चीज के लिए, एंड प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि भाई तू जल्दी पीछा छोड़ा करके जा, तो 3 लाख का मैंने पेमेंट किया था, कंपनसेशन दिया था कि भाई तू छोड़ करके जा मुझे यहां से, अपने एम्प्लॉय को बोला था मैंने, तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ही कवर होगा, वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। नॉट सर्विस एज इट इज अराइज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सप्लाई नहीं होगा, तो नो सप्लाई लिख देना इसके आगे, नो सप्लाई, नो जीएसटी, नॉन कॉम्पीट फी, वो टैक्सेबल होता है, वो सर्विस मानी जाती है, बट ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये हमारा जो सेकंड शेड्यूल हम पढ़ेंगे उसमें ये पॉइंट आएगा नॉन कॉम्पीट फी का। खाली हाल फिलहाल के लिए याद रख लो, नॉन कॉम्पीट फी टैक्सेबल होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्योंकि ये सर्विस मानी जाती है, सर्विस का पार्ट होता है। ओके, ये हम कहां पढ़ेंगे, सेकंड शेड्यूल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये जो था थर्ड शेड्यूल यहां पर कंप्लीट होता है। अब ये जो डेफिनेशंस वगैरह है ये, और उसके अलावा हमारा जो सेकंड शेड्यूल और कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ये हम हमारे डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर अप्रिसिएशन। वी हैव एक्चुअली रिसीव योर अप्रिसिएशन एंड दिस इज एक्टिंग एज मोटिवेशन। ये सारे अप्रिसिएशन, मोटिवेशन, मेल्स, इन सब को देखते हुए आई एम हियर टू शेयर सम थिंग विथ यू। हमने ये डिसाइड किया है दैट इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हम हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, सो दैट यू स्टे कनेक्टेड एंड यू स्टे अपडेटेड। वी हैव एक्चुअली डिसाइडेड दैट बिकॉज वी हैव नेशन फेमस फैकल्टी विथ अस, वी विल शेयर विथ यू वीडियोस ऑफ केस लॉज, हाउ टू रिमेंबर इट, लास्ट डे रिविजन लेक्चर्स एंड फ्यू ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स, फ्यू ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जिसके लिए हमें मेल्स आए हैं कि सर मैम ये नहीं समझ में आ रहा। ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड हम वीडियोज़ इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम विल बी कीपिंग ऑन अपलोडिंग ऑन आर चैनल।
So stay tuned, stay connected and stay updated. Thank you.